आप वाकई में कामयाब हो सकते हैं अगर आप यकीन कर लें कि आप कामयाबी के लिए इस धरती पे जन्म लिया है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बता रहे हैं जिसने अपनी लाइफ में असफलता नाम की चीज से साहब बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया था। बचपन में एक बार इनके पिताजी ने इनको एक वॉच ला के दी थी, पॉकेट वॉच, जिसको इन्होंने कुछ ही मिनट के बाद खोल दिया और थोड़ी देर के बाद उसको रीअसेंबल कर दिया। पिताजी इनके हुनर को देखते रह गए और उसी पड़ोसी लोग भी अचंभित हो गए, बोले यार बच्चे में तो गजब की प्रतिभा है, और आसपास वाले लोग उससे अपनी घड़ियां ठीक कराने लगे। इस बच्चे ने 16 साल की आयु तक आते आते एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया, अपने बाप से बोला कि मुझे ये खेती का काम नहीं करना है, मैंने जन्म किसी और काम के लिए लिया है, मुझे इंजीनियरिंग में ही शौक है, मुझे इंजीनियरिंग में ही मजा आता है। ये कोई और नहीं थे, ये उद्योग जगत की बहुत बड़ी शख्सियत जिनका नाम हेनरी फोर्ड, 30 जुलाई 1863 में जिनका बर्थ हुआ था अमेरिका में। फोर्ड कंपनी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा था और आज भी वो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिलेंडर कार को इन्वेंट किया था। उस समय के इंजीनियर्स ने क्या कहा था जानते हैं आप, कि ये संभव ही नहीं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, गो एंड डू अगेन वो ट्राई अगेन। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप किसी कॉम्पिटिशन में सक्सेस नहीं हो पा रहे, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, आपके हस्बैंड से नहीं बनती, वाइफ से नहीं बनती, बॉस से नहीं बनती, गो एंड ट्राई अगेन। आप प्रयास कीजिए या उस रिलेशन को बॉयकॉट कीजिए, लेकिन आप प्रयास ज़्यादा कीजिए पहले, प्रयास करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन डिसीजन लेना सीखिए, क्योंकि इनडिसीजन इज नॉट अ डिसीजन। ये जो हेनरी फोर्ड, इन्होंने 5 पॉइंट्स बताए थे जो सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसको पूरे ढंग से सुनिएगा लास्ट तक, 1 से लेकर 5 तक। पहला फार्मूला इन्होंने बताया था कि असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती। असफलता नहीं होती है, असफलता सिर्फ एक अवसर होता है फिर से और बुद्धिमत्ता से और इंटेलिजेंटली एफर्ट करने का नाम ही अनसक्सेस है। जब भी आपको अनसक्सेस मिले अपने कॉम्पिटिशन में, फिर से ट्राई कीजिए विद मोर इंटेलिजेंटली विद मोर परफेक्टली। सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया था कि डोंट फाइंड फॉल्ट, कमियां मत निकालिए दूसरों में, अपने काम में, अपने लाइफ में सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि इसी से कामयाबी की सीढ़ी आप चढ़ सकते हैं। तीसरा गुरु मंत्र इन्होंने बताया था कि लोग ज्यादातर, आप जानते हैं ज्यादातर लोग इस दुनिया में किसी भी चीज के लिए अपना समय और एनर्जी खर्च करते हैं उस परेशानी का चिंतन करने में। आपको सक्सेस नहीं मिली, आप यही सोचे जा रहे हैं तो इससे सक्सेस नहीं मिलेगी। हेनरी फोर्ड ने बोला जितना समय आप अनसक्सेस को सोचने में लगाते हैं, उससे भी आधे समय में अगर आप सोल्यूशन निकालने में लगाएं, तो आप कामयाबी में एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई चीज कठिन नहीं है, आप सिर्फ उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं आपको एक तरबूज खिलाना चाहूँ तो क्या आप एक बाइट में खा लेंगे? हाँ बोलेंगे नहीं, आप उसके छोटे छोटे पीस करेंगे। आप भी अपनी सफलता को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कीजिए, अपनी स्टडी टेबल पे बाकी किताबें कचरा साफ कीजिए, सिर्फ वो बुक जिससे आपको मतलब है आज या कल या एक हफ्ते तक 10 दिन तक, उसी को आप मैराथन की तरह उसके ऊपर पंच मारिए। फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है सक्सेस के लिए भी, पर्सनल रिलेशन के लिए। वो बोलते हैं कि आपका अपना वो नहीं होता है जो आपके साथ खड़ा है, आपका अपना वो भी होता है जो आपकी कमियां बताए, वो ही सच्चा मित्र है जो आपके फॉल्ट को बताए और उसका समाधान भी आपसे लिखवाए। थैंक यू वेरी मच, मुझे पूरी उम्मीद है आप कामयाबी की सीढ़ी जरूर चढ़ेंगे एक दिन, लेकिन आप अपने पर पूरा विश्वास रखिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे आप कामयाब हो ऐसे ही आपके मित्र और आपके डियर वन। थैंक यू वेरी मच, बाय।